क्या किया, एक्स एलिमेंट है वाई में कन्वर्ट हो गया और एल्फा पार्टिकल बाहर आ गया। एल्फा पार्टिकल क्या होता है, हीलियम 4-2, तो ए माइनस 4, जेड माइनस 2। उसी तरीके से बीटा डीके में दो टाइप के बीटा डीके होते हैं, बीटा माइनस बीटा प्लस। बीटा माइनस क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना ई जीरो माइनस 1। बीटा प्लस का मतलब पॉजिट्रॉन का बाहर निकलना ई जीरो प्लस 1। ऐसी गामा डीके में कोई ना ए चेंज होता है ना जेड चेंज होता है। नेक्स्ट है रेडियो एक्टिव डीके में, ये रेडियो एक्टिविटी का लॉ है। नंबर ऑफ एटम लेफ्ट का फॉर्मूला हमने लास्ट टाइम किया था, हाफ लाइफ पीरियड का ये फॉर्मूला किया था 0.693 डिवाइडेड बाय लैम्डा, लेकिन कई बुक्स में 0.693 को लिखा जाता है लॉग 2 टू द बेस ई, एक ही बात है। नंबर ऑफ एटम लेफ्ट का एक और फॉर्मूला जिसमें स्मॉल एन का मतलब कितनी देर तक रेडियो एक्टिविटी चलेगी डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ पीरियड। मीन लाइफ का फॉर्मूला हमने किया। एक्टिविटी या रेडियो एक्टिविटी को लिखा जाता है डी एन बाई डी टी यानी कि लैम्डा एन, और टाइम रिक्वायर्ड की रेडियो एक्टिविटी में नंबर ऑफ एटम जब एन हो गए इन केस ऑफ एन नॉट से एन हो गए, ये टाइम रिक्वायर्ड का फॉर्मूला। इसके बेस पे क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी एल्फा एंड बीटा पार्टिकल, बीटा नेगेटिव का मतलब होता है ई जीरो माइनस 1, तो कितने एल्फा पार्टिकल निकलेंगे और कितना बीटा नेगेटिव निकलेगा। विल बी एमिटेड व्हेन थोरियम चेंजेस टू पीबी 20882। तो बेसिकली जो थोरियम है वो एक और एलिमेंट में चेंज हो रहा है, तो कितने अल्फा और कितना बीटा नेगेटिव पार्टिकल निकलेंगे। अल्फा का मतलब है हीलियम 4-2, बीटा नेगेटिव का मतलब है E0 माइनस 1। तो अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस देखूं 232 और 208, तो उस हिसाब से इनका जो डिफरेंस आएगा, तो अगर मैं मान रहा हूं कि इसमें हीलियम पार्टिकल निकलेगा या अल्फा पार्टिकल निकलेगा जो कि हीलियम है, इसका डिफरेंस कितना आ रहा है चेक करना, 24। तो इनका डिफरेंस अगर 24 आ रहा है और एक अल्फा पार्टिकल में कितना ए है, 4 है, 24 बाय 4 का मतलब 6, तो कुल मिला के इसका मतलब 6 अल्फा पार्टिकल निकले, ताकि ऊपर की इक्वेशन बैलेंस हो जाए। तो ऊपर की इक्वेशन क्या बनी, 232, 208, 6 प्लस 4 24, 24 प्लस 208 विल गिव 232, बिल्कुल सही है। पर नीचे की एटॉमिक नंबर की इक्वेशन खराब हो गई, कैसे, ये 90 है, ये कितना है, ये 82 है, और ये कितना है, 12 है, 6 × 2 = 12, तो 90 और राइट साइड पे क्या है, 82 और 12, 82 और 12 के हिसाब से चार एटॉमिक नंबर एक्स्ट्रा आ रहा है इसमें, इसमें चार एटॉमिक नंबर एक्स्ट्रा आ रहा है। ऊपर की इक्वेशन बैलेंस्ड है, नीचे की इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं है, जिस वजह से उसने क्या कहा कि साथ में कौन से पार्टिकल बाहर निकाल ले, बीटा नेगेटिव। तो साथ में काम करते हैं, बीटा नेगेटिव को बाहर निकालते हैं, तो मैं कितने बीटा नेगेटिव निकालूं कि मेरी इक्वेशन बैलेंस हो जाए, चार। चार क्यों, अब चेक कर लो, ऊपर की इक्वेशन तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है, 232, 208 प्लस 24 प्लस 0 बैलेंस्ड है, नीचे की इक्वेशन में 90 है, 82 है, ये कितना हुआ, 12 है, तो कुल मिला के 94 हो गया, और 94 में से यहां पर E0 माइनस 1 आएगा, माइनस 1, तो यहां से 4 क्या हो गया, सब्ट्रैक्ट हो गया। अब देखो नीचे की इक्वेशन भी क्या हो गई, बैलेंस हो गई, तो ऊपर की इक्वेशन भी बैलेंस्ड है और नीचे की इक्वेशन भी बैलेंस्ड है। तो हिट एंड ट्रायल है, टोटल की टोटल, ऐसा नहीं कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है, हिट एंड ट्रायल है, आपको एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास नंबर को बैलेंस करना है। तो 6 अल्फा पार्टिकल हैं और 4 इलेक्ट्रॉन यानी कि बीटा नेगेटिव हैं, जिसमें से बाहर निकलेंगे जो इक्वेशन बनाएंगे, आपको यही बताना है कितने अल्फा और कितने बीटा पार्टिकल इसमें एमिट होंगे। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में हाफ लाइफ ऑफ अ सर्टन रेडियो एक्टिव मटीरियल अगेंस्ट अल्फा डीके इज 138 डेज। तो कैपिटल टी हाफ लाइफ पीरियड कितना है, 138 डेज है। आफ्टर व्हाट लैप्स ऑफ टाइम, कितने समय के बाद द अनडिकेड फ्रैक्शन ऑफ मटीरियल विल बी 6.25%। अनडिकेड का मतलब कितना एलिमेंट बच गया, तो कितने समय के बाद 6.25% ऑफ एटम बच गए, अनडिकेड। ये बताओ कि अगर टोटल नंबर ऑफ एटम एन नॉट हैं, 50% कब बचते हैं, जब एक लाइफ हाफ लाइफ पीरियड हो जाता है, यहाँ पर करेक्शन है ये 138 है, तो एक हाफ लाइफ पीरियड 138 में नंबर ऑफ एटम लेफ्ट कितने हो जाते हैं, 50% हो जाते हैं। एक और हाफ लाइफ पीरियड करें तो उसमें नंबर ऑफ एटम कितने हो जाते हैं, 25% हो जाते हैं। एक और हाफ लाइफ पीरियड करें तो नंबर ऑफ एटम कितने हो जाते हैं, 25 का आधा 12.5% हो जाते हैं। एक और हाफ लाइफ पीरियड करें, चार हो गए टोटल,
तो कितने हो जाते हैं, 6.25% बच जाते हैं। और वो भी तो ये पूछ रहे, 6.25% कितनी देर में हुए, तो कितने हाफ लाइफ पीरियड हो गए इसमें, 4, 50, 1, 25%, 2, 12.5%, 3, 6.25%, 4। एक हाफ लाइफ पीरियड का समय कितना है, 138 है। 4 हाफ लाइफ पीरियड का समय क्या होगा, 552 डेज है आंसर। तो अगर मेरे को ये पता लग जाए कितने हाफ लाइफ पीरियड में ये प्रोसेस चलेगा, तो मैं एक हाफ लाइफ पीरियड से उसे क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई, आंसर आएगा। कोई डाउट इसमें, पॉइंट क्लियर है यहां तक? जैसे हाफ लाइफ ऑफ रेडियम इज 1600 ईयर्स, कैपिटल टी गिवन है, आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स, कितने समय के बाद 25% अनडिकेड हो जाएगा, तो कितने हाफ लाइफ पीरियड होंगे 25% में, 100 से 50% होने में एक हाफ लाइफ पीरियड, 50 से 25 होने में दो हाफ लाइफ, तो एक हाफ लाइफ पीरियड कितने दिनों, कितने साल का है, 1600, दो हाफ लाइफ पीरियड सीधा करो, 1600 को 2 से मल्टीप्लाई, 3200 ईयर्स आंसर, शॉर्टकट सही हो गया। वैसे प्रॉपर मेथड ये कहता है 25% एटम बच गए, बचने का मतलब n क्या होगा, n नॉट बाय 4, 25% क्या होता है, 1/4 होता है, तो n नॉट बाय 4, इस फॉर्मूले में n की जगह n नॉट बाय 4 पुट करेंगे तो n नॉट कैंसिल, यहां से n की वैल्यू आएगी 2, और n क्या शो करता है, कितने हाफ लाइफ पीरियड हुए, तो कितने हाफ लाइफ पीरियड हुए, 2, तो एक हाफ लाइफ पीरियड में क्या हुआ, 1600 इंटू 2 करके क्या आया, 3200। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक कि कैसे कर रहे हैं, ठीक, शॉर्टकट से कर लेंगे, जरूरत ही नहीं इतने लंबे मेथड को करने की। 15th है, फाइंड हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रेडियो एक्टिव मटीरियल, कैपिटल टी निकालना है इस बार, इफ इट्स एक्टिविटी ड्रॉप टू 1/16 ऑफ इनिशियल एक्टिविटी। देखो जो एक्टिविटी होती है उसको किससे रिप्रेजेंट किया था हमने, आर, तो एक्टिविटी कितनी होगी, इनिशियल एक्टिविटी डिवाइडेड बाय कितना, 16th। लेकिन जो एक्टिविटी थी उसका फॉर्मूला क्या था, लैम्डा इंटू एन, लैम्डा इंटू यहां पर क्या आएगा, एन नॉट, तो लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, तो एन की वैल्यू क्या आएगी, एन नॉट बाय 16। तो एक्टिविटी 1/16 होगी या नंबर ऑफ एटम लेफ्ट 1/16 हो गए, बात एक ही है, कोई डाउट इसमें, पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक? तो एन की वैल्यू क्या होगी, एन नॉट बाय 16 हो गई, तो यहां पे एन की वैल्यू एन नॉट बाय 16 है, तो एन इज इक्वल टू एन नॉट हाफ रेज टू पावर एन का फॉर्मूला लगाया। तो वैसे तो मैं इसको ओरली भी कर सकता हूं, कैसे, क्योंकि नंबर ऑफ एटम लेफ्ट कितने हैं, 1/16 हैं, जो 1/16 होता है वो हाफ रेज टू पावर क्या होता है, 4 होता है, तो मुझे पता लग रहा है कि स्मॉल एन यहां पर 4 आएगा, 4 का मतलब 4 हाफ लाइफ पीरियड है, नहीं तो एक्चुअल कर लो, नंबर ऑफ एटम लेफ्ट का ये फॉर्मूला है, एन क्या है, एन नॉट बाय 16 है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एन नॉट बाय 16 है, एन नॉट कट गया, हाफ रेज टू पावर 4 इज हाफ रेज टू पावर एन, तो एन की वैल्यू 4 है, तो कुल मिला के कितने हाफ लाइफ पीरियड है, 4। ये प्रोसेस टोटल कितनी देर में चलेगा, 30 साल तक चलेगा। स्मॉल एन का फॉर्मूला था स्मॉल टी बाय कैपिटल टी, स्मॉल टी का मतलब कितनी देर तक रेडियो एक्टिविटी चलेगी, कैपिटल टी का मतलब हाफ लाइफ पीरियड। एन की वैल्यू मैं निकाल चुका हूं 4, स्मॉल टी मुझे 30 ईयर्स पता है, यहां से सॉल्व करके कैपिटल टी कैन बी कैलकुलेटेड, तो कैपिटल टी क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल लेना, आंसर आ जाएगा। मेथड क्लियर है यहां तक कि कैपिटल टी की वैल्यू कैसे आएगी, कोई डाउट इसमें, ठीक है यहां तक, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16th में हाफ लाइफ ऑफ अ गिवन रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाइड इज गिवन, कैपिटल टी गिवन है, व्हाट इज द मीन लाइफ ऑफ द न्यूक्लियाइड। तो हमने किया हुआ है जो मीन लाइफ है 1.44 टाइम्स हाफ लाइफ है, एक आंसर आ गया। नेक्स्ट है, आफ्टर हाउ मच टाइम विल अ गिवन सैंपल ऑफ दिस रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाइड गेट्स रिड्यूस्ड टू 12.5% ऑफ इनिशियल वैल्यू। तो मैंने ये बताया था 12.5% का मतलब कितने हाफ लाइफ पीरियड है, 3 है ना, 50 का मतलब 1, 25% का मतलब 2, 12.5 का मतलब 3, तो एक हाफ लाइफ पीरियड कितना है, 138.6, तो 3 हाफ लाइफ पीरियड का टाइम समय कितना आएगा, इसको 3 से सीधा मल्टीप्लाई कर दो, ये मेथड लगाने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है यहां तक क्लियर है। वैसे बता देता हूं कि जो 12.5% होता है ना, वो 12.5 by 100 करोगे 1/8 आता है, 12.50% का मतलब हाफ होता है, 25% का मतलब 1/4 होता है,
12% का मतलब 1/8 होता है, 1/8 का मतलब हाफ रेज टू पावर 3 होता है। तो यहीं से पता लग रहा है कि नंबर ऑफ ये जो हाफ लाइफ पीरियड है कितने आएंगे, 3 आएंगे। ठीक है यहां तक। नेक्स्ट 12th, इट इज ऑब्जर्व दैट ओनली 6.25% ऑफ अ गिवन रेडियो एक्टिव सैंपल इज लेफ्ट अनडिकेड आफ्टर अ पीरियड ऑफ 16 दिन। तो 16 दिनों में इतना अनडिकेड है वो कह रहा है, तो यानी कि प्रोसेस कितनी देर चलेगा, 16 दिन चलेगा। वॉट इज डी के कॉन्स्टेंट? जो डी के कॉन्स्टेंट होता है उसका सिंबल क्या होता है, लैम्डा। तो मुझे पता है कि डी के कॉन्स्टेंट और हाफ लाइफ पीरियड का सीधा रिलेशन है। हाफ लाइफ पीरियड क्या था, 0.6931 बाय लैम्डा, तो लैम्डा क्या है, 0.6931 बाय हाफ लाइफ। अगर मैं हाफ लाइफ बता दूं तो लैम्डा आ जाएगा। हाफ लाइफ के लिए क्या करेंगे, क्योंकि 6.25% है तो कितने रेट, कितने हाफ लाइफ हैं इसमें, 4। तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ ओरली 4 आ गए। अब नंबर ऑफ हाफ लाइफ होते क्या है, स्मॉल टी डिवाइडेड बाई कैपिटल टी, ये वैल्यू 4 है। प्रोसेस कितनी देर चलेगा, 16 दिन चलेगा। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आ गया, हाफ लाइफ की वैल्यू आ गई, हाफ लाइफ आ गया। तो यहां से डीके कांस्टेंट कैन बी कैलकुलेटेड, क्योंकि हाफ लाइफ ईयर में है तो डीके कांस्टेंट 1 बाय ईयर में होगा, या डे है तो 1 डे रेज टू पावर -1 भी होगा। तो समझ में आ रहा है यहां तक। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, कह रहे व्हाट परसेंटेज ऑफ दिस सैंपल हाफ लाइफ दे रहा है वो हमें, या डीके कांस्टेंट दे रहे हैं हमें। डीके कांस्टेंट पता है तो हाफ लाइफ कैन बी कैलकुलेटेड रेसिप्रोकल लेके। तो व्हाट परसेंटेज ऑफ दिस सैंपल विल गेट डिकेड इन अ पीरियड ऑफ 4 इयर्स। अब मेरे को ये पता है कि हाफ लाइफ की वैल्यू 0.6931 बाय लैम्डा को पुट करेंगे तो दो दिन आएगी। अब साफ पता लग रहा है टोटल ड्यूरेशन कितनी है, 4 ईयर है ना, और हाफ लाइफ कितना है, ये गड़बड़ है यहाँ पे, ईयर आएगा यहाँ पे, ये डे नहीं है, यहाँ पर ईयर होना चाहिए, ईयर रेज टू पावर माइनस, यूनिट सेम होनी चाहिए ना इनके, ताकि ईयर से ईयर कैंसिल करके ईयर्स में ही आंसर आए। ठीक है, ईयर्स। तो हाफ लाइफ पीरियड कितने आ गए, 2 दिन आ गया, 2 ईयर्स आ गया। टोटल रेडियो एक्टिविटी 4 साल की है, हाफ लाइफ पीरियड 2 साल का है, यानी कि कितने हाफ लाइफ इसमें एडजस्ट होंगे, सिर्फ 2, 2 हाफ लाइफ में पूरी रेडियो एक्टिविटी खत्म हो जाएगी। 4 साल की टोटल है, ऐसे कर लो, 4 साल की टोटल है, हाफ लाइफ 2 है, तो N2 आ गया। तो N2 आ गया, तो पहले हाफ लाइफ पीरियड में परसेंटेज कितनी रह जाती है, 50%। दूसरे हाफ लाइफ में परसेंटेज कितनी रह जाती है, 50 का आधा कितना, 25%। तो सीधा आंसर 25% है। तो अगर आप ये बता दें कि कितने हाफ लाइफ पीरियड चलेगा, तो मैं परसेंटेज बता सकता हूँ सीधा, क्योंकि 50% का मतलब 1 हाफ लाइफ है, 25 का मतलब 2, 12.5 का मतलब 3, 6.25, 6.25 का मतलब 4, और 3.125 का मतलब। ठीक है, फिगर्स इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये 19th,
क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिव मटीरियल इज रिड्यूस्ड टू 1/16 ऑफ द ओरिजिनल अमाउंट इन 4 days. 4 दिनों तक रेडियो एक्टिविटी चली और आपका अमाउंट कितना रिड्यूस हो गया, 1/16 हो गया, यानी कि n की वैल्यू कितनी होगी, n नॉट बाई 16 हो गई, तो n बाई n नॉट क्या हो गया, 1/16 हो गया, तो कितने हाफ लाइफ पीरियड हुए, 4. तो 4 रेडियो एक्टिविटी 4 हाफ लाइफ पीरियड में प्रोसेस खत्म हो गया, कोई डाउट है इसमें? अब वो ये कह रहा है कि बताओ अगला प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है कि मेरे पास इतना मटेरियल था, इतना मटेरियल था, कितना मेरे पास बच जाएगा लेफ्ट आफ्टर 6 days अगर रेडियो एक्टिविटी 4 की बजाय 6 दिन में चले. देखो 4 की बजाय जब 6 दिन में ऐसी रेडियो एक्टिविटी चलेगी तो n चेंज हो जाएगा. पहले n कितना आ रहा था, पहले n आ रहा था 4. अब सेकेंड केस में n क्या आएगा, कितने हाफ लाइफ एडजस्ट होंगे, टी 4 दिन. पिछले केस में अगर हम बात करें, पिछले केस में टी जो टोटल रेडियो एक्टिविटी 4 दिन में चलती है और ये प्रोसेस में n कितना आ रहा था, 4, तो 4 से डिवाइड करके हाफ लाइफ कितना आ रहा था, 1. तो हमें सैंपल का हाफ लाइफ पता लग गया केस नंबर 1 से, जो कि 1 है. केस क्लोज कर दिए. केस नंबर 2 में, केस नंबर 2 में n का फॉर्मूला स्मॉल t बाई क्या है, कैपिटल t है. केस नंबर 2 में अब ये प्रोसेस कितने दिन चलेगा, 6 दिन. हाफ लाइफ कितना है, 1 दिन के साथ, तो ये प्रोसेस में कितने हाफ लाइफ पीरियड आएंगे, 6. तो ये प्रोसेस ज्यादा चलाने से क्या हुआ, 6 दिन चलाने से नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितने आएंगे, 6. 4 दिन चलाओगे तो हाफ लाइफ पीरियड कितने आएंगे, 4. 6 दिन चलाओगे तो 6. अब इस केस में मेरे को एक चीज पता है कि नंबर ऑफ एटम लेफ्ट का फॉर्मूला हमने किया हुआ है, ये रहा नंबर ऑफ एटम लेफ्ट का ये फॉर्मूला है. अब एक काम करते हैं, मेरे को इस केस में क्या निकालना है, मुझे निकालना है हाउ मच मटेरियल शुड वन बिगेन विद. बिगेन विद का मतलब क्या निकालना है, एन नॉट, सो दैट इतना मटेरियल लेफ्ट हो जाए. तो लेफ्ट का मतलब ये क्या गिवन है, एन. तो मेरे को एन नॉट गिवन है, एन गिवन है और मुझे एन नॉट निकालना है. तो एक काम करते हैं, एन नॉट एक तरफ और बाकी टर्म्स एक तरफ. अब एन की वैल्यू मुझे क्या गिवन है, 4 × 10⁻³, 2 raised to power क्या आएगा, 6. आंसर निकाल लेना, 0.256 के जी. तो समझ में आ रहा है कि इसमें 2 रेडियो एक्टिविटीज इकट्ठी चला रहा है वो, एक में स्मॉल एन 4 है, एक में स्मॉल एन 6 है. ठीक, नेक्स्ट. तो क्वेश्चन है, हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस 20 सेकेंड, तो कैपिटल टी हाफ गिवन है. क्या निकालना है, डीके कांस्टेंट. डीके कांस्टेंट क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ हाफ लाइफ. तो लैम्डा क्या होगा, 1/T. आंसर. सेकेंड पार्ट है, टाइम टेकन फॉर द सैंपल टू डीके बाय 7/8 ऑफ द इनिशियल वैल्यू. ये इंपॉर्टेंट है. उसने कहा कि 7/8 ऑफ द सैंपल डीके हो गया, खत्म हो गया. हमारे फॉर्मूलाज में एन का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ एटम लेफ्ट. तो अगर 7/8 डीके हो गया तो बचा कितना, 1/8. 1/8 का मतलब हाफ रेज टू पावर 3. तो कितनी रेडियो एक्टिविटी में हाफ लाइफ इन्वॉल्व होंगे इसमें, 3. हाफ की पावर 3 है तो 3, 3 हाफ लाइफ पीरियड है. तो ये प्रोसेस कितनी देर तक चला. अब मुझे पता है कि हाफ लाइफ पीरियड 20 है, कितने प्रोसेस, कितने रेडियो, कितने हाफ लाइफ होंगे, 3. 3 × 20 क्या सीधा करेंगे इसमें, 60. कोई सीधा शॉर्टकट करने की जरूरत ही नहीं है कुछ भी. ठीक है, यहां तक. एक ऑब्जर्वर है, लैब में काम करता है और कुछ रेडियो एक्टिविटी चल रही है और कुछ रीडिंग लेता है. रीडिंग में
अलग 10-10 मिनट भी रीडिंग लेता है, 0, 10, 20, 30, 40 पे, और किसकी वैल्यू निकालता है, लॉग ऑफ एन नॉट बाई एन की रेशियो निकालता है, ये गिवन है। इस टेबल से कह रहे प्लॉट करो एक ग्राफ, किसका ग्राफ, लॉग ऑफ एन नॉट बाई एन का वर्सेस टाइम का ग्राफ, एंड इसी ग्राफ से डीके कॉन्स्टेंट एंड हाफ लाइफ पीरियड भी निकाल लो। अब पहली बात ये कि इसमें अगर ग्राफ प्लॉट करना है जिसमें वाई एक्सिस में अगर आपको ड्रॉ करना है लॉग ऑफ एन नॉट बाई एन, और एक्स एक्सिस में क्या प्लॉट करना है, टी, तो ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, तो ग्राफ कैसा बनेगा, इसके लिए रिलेशन निकालना पड़ेगा इनमें क्या रिलेशन है। अब रिलेशन कैसे निकलेगा, रिलेशन ऐसे निकलेगा कि जैसे सपोज करो आपके पास फॉर्मूला है क्या, एन इज इक्वल टू एन नॉट ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा टी, या एन बाय एन नॉट ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा टी, लेकिन मेरे को लॉग ऑफ एन नॉट बाय एन निकालना है, तो एक काम करते हैं इसको रेसिप्रोकल ले लेते हैं, तो ये टर्म क्या हो जाएगी, प्लस लैम्डा टी, माइनस का प्लस कर दिया, रेसिप्रोकल ले लिया। मेरे को दोनों साइड्स पे लॉग लेना पड़ेगा क्योंकि मेरे को क्वेश्चन में लॉग ऑफ एन नॉट बाय एन चाहिए, तो इस तरफ भी क्या लगा दिया, लॉग की वैल्यू लगा दी। ऐसे मैथ का रूल है, लॉग ऑफ एन नॉट बाय एन आएगा और लैम्डा टी नीचे आ गया, लॉग ई टू द बेस ई क्या होता है, 1। तो मेरे को ग्राफ किसके किसके बीच में प्लॉट करना है, मेरे को ग्राफ प्लॉट करना है एक इसमें, ये वाई एक्सिस है और इसमें ये एक्स, ये कांस्टेंट है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ वाई प्रोपोर्शनल टू एक्स, तो ये दोनों आपस में प्रोपोर्शनल है, तो ग्राफ क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम ओरिजिन एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, 45 डिग्री ना भी हो लेकिन स्ट्रेट लाइन तो पक्का होगा क्योंकि लैम्डा 1 नहीं है इसमें, तो ये स्टेप क्लियर है यहाँ तक। अच्छा ये बताओ कि अगर मैं इसकी रेशियो लूँ, यानी कि लॉग ऑफ एन नॉट बाई एन डिवाइडेड बाई टी, तो मेरे पास क्या बचेगा, लैम्डा, तो लैम्डा भी तो निकालना है क्वेश्चन में, तो रेशियो लेने से लैम्डा, टेबल में कोई दो वैल्यूज उठा लो, आपको ये भी पता है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग टाइम भी पता है, कोई भी दो वैल्यूज को डिवाइड कर लो, अपने आप क्या जाएगा, लैम्डा आंसर। देखो ना टेबल के अंदर लाइन लगी पड़ी है इन वैल्यूज की, ये देखो ये इसको इससे डिवाइड कर दो, इसको इससे डिवाइड कर दो, अपने आप क्या जाएगा, लैम्डा, तो ग्राफ क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन, ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगी, और लैम्डा मैंने आपको बता ही दिया कि कोई भी इस टर्म में से इसको डिवाइड कर दो, टेबल में से लॉग वाली टर्म को टाइम से डिवाइड करो, लैम्डा, लैम्डा आ गया तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, कैपिटल टी होगा। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक, कैपिटल टी की वैल्यू क्या होगी इसमें। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में एक्टिविटी वाला क्वेश्चन देखो, कोई ये रहा 24th को देखो प्लीज। The half-life of uranium is given, capital T given है, what is activity of the sample having इतने atoms? देखो half-life period पता है, ये atom initially नहीं है, ये किसी भी instant पे given है, जो activity होती है वो उसका formula क्या होता है, lambda into n, तो अगर मैं आपको lambda बता दूँ, lambda क्या होता है, 0.693 by time period, तो n की value से multiply करके क्या जाएगा आपके पास, answer आएगा। ठीक है, तो एक्टिविटी आ गई, एक्टिविटी के यूनिट्स क्या पुट करेंगे, डिसइंटीग्रेशंस पर सेकंड, जैसे ये नेक्स्ट है, एक्टिविटी निकालनी है फिर से।
हाफ लाइफ ऑफ यूरेनियम आपको गिवन है, तो कैपिटल टी हाफ तो गिवन ही है, ईयर्स में, ईयर्स में चाहे सेकेंड में निकाल लो कोई दिक्कत नहीं है, ना निकालो तो ईयर्स में रहने तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको क्या निकालना है, आपको ना 1 ग्राम सैंपल की एक्टिविटी निकालनी है। एक्टिविटी क्या होती है, लैम्डा एन। लैम्डा क्या होता है, 0.693 बाय हाफ लाइफ पीरियड इनटू एन। हाफ लाइफ आपको गिवन है, आपको सिर्फ क्या चाहिए, एन। तो एन आएगा तो एक्टिविटी आ जाएगी। अब आपको क्वेश्चन में 1 ग्राम गिवन है, 1 ग्राम यूरेनियम में कितना एन है वो आप निकाल लो, एवोगाड्रोस नंबर से डिवाइड करके इतने एटम्स हैं, इस एटम को यहाँ पुट करके आपके पास डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड में आंसर आएगा। और डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड का दूसरा नाम है बैकरल, आंसर बैकरल, ऐसे सिस्टम बैकरल था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट, रेडियो एक्टिव आइसोटोप हैज अ हाफ लाइफ पीरियड ऑफ 10 ईयर, तो कैपिटल टी की कितना गिवन है, 10 ईयर। हाउ लॉन्ग विल इट टेक एक्टिविटी रिड्यूस 3.125, देखो मैंने बताया था 3.125 में कितने रेडियो, कितने हाफ लाइफ पीरियड आते हैं, 5, 6.25 तक आते हैं 4, 3.125 में 5, तो एन की वैल्यू सीधी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सीधा 5। तो कितनी देर रेडियो एक्टिविटी चली, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो आंसर। अब प्रॉब्लम यह है कि वो कह रहे हैं कि एक्टिविटी चली, एक्टिविटी या रेडियो एक्टिविटी कितनी देर चली, तो स्मॉल टी निकालने को कह रहा है आंसर, 50, सीधे शॉर्टकट ही लगा दो। ठीक, तो जैसे ये क्वेश्चन कर लो 28th।
टू रेडियो एक्टिव सैंपल्स एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ एटम एट इज इक्वल टू जीरो, एन नॉट एन नॉट सेम है, देयर हाफ लाइफ पीरियड गिवन है, एक्स और वाई का हाफ लाइफ गिवन है, कंपेयर रेट्स ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ टू न्यूक्लियाई, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन मतलब आर निकालना है, इंटीग्रेशन या रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन एक ही बात है, एक्टिविटी निकालनी है, तो एक्स के लिए हाफ लाइफ पीरियड पता है, तो ये प्रोसेस कितनी देर चलेगा, 12 घंटे, 12 घंटे को इससे डिवाइड करेंगे स्मॉल टी बाई कैपिटल टी, तो चार चार हाफ लाइफ पीरियड आएंगे, तो नंबर ऑफ एटम कितने बचेंगे एक्स के, एन नॉट हाफ रेज टू पावर एन, एन नॉट पर 16 आएगा। सेम केस वाई के लिए करेंगे, वाई का हाफ लाइफ पीरियड चार है, तो ये कितनी देर रेडियो एक्टिविटी चलेगी, टोटल टाइम पीरियड 12 को चार से डिवाइड करके तीन, तो नंबर ऑफ एटम लेफ्ट क्या आएगा, एन नॉट हाफ रेज टू पावर तीन, एन नॉट बाई एट। अब आपको एक्टिविटी की रेशियो निकालनी है, एक्टिविटी क्या होती है, आर, आर क्या होता है, लैम्डा इन टू एन, लैम्डा क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू हाफ लाइफ पीरियड, एक्स है तो एक्स, वाई है तो वाई, ये पता है, ये पता है, आंसर रेशियो आ जाएगी। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 का क्वेश्चन नंबर बी तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इतनी बार मेंस और नीट में क्वेश्चन आया है आप सोच भी नहीं सकते हो, बी पार्ट। है वी आर गिवन द फॉलोइंग एटॉमिक मासेस, ये सब कुछ गिवन है हमें, और पीए गिवन है, थोरियम गिवन है, और हीलियम, एच, यूरेनियम सब गिवन है, तो इसके अंदर कैलकुलेट एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग अल्फा डीके ऑफ यूरेनियम, तो यूरेनियम में से अल्फा डीके करके दिखाओ, यूरेनियम में से अल्फा डीके जब होगा तो हीलियम 42 निकलेगा, अल्फा पार्टिकल का मतलब हीलियम 42 निकलना, तो ये 234 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, तो 234-90 में क्या निकल रहा है, इसका मतलब थोरियम निकलेगा, तो इक्वेशन क्या बनेगी, यूरेनियम से थोरियम और साथ में अल्फा पार्टिकल, और साथ में कुछ एनर्जी भी रिलीज होगी, क्यों, तो आपको इसमें क्या निकालना है, आपको इसमें एनर्जी रिलीज बतानी है क्या होगी, ये तो लंबा कर रहा है, आप इस इन दोनों के मासेज लें, है ना, आप इन दोनों के मासेज में से इसके मास को क्या कर दें माइनस, पर वैसे बता देता हूं इसे किया ये क्या कर रहा है, यूरेनियम का मास जो है वो बड़ा था, इनके मासेस छोटे हो गए, तभी तो एनर्जी क्या हुई रिलीज हुई, तो इनके मासेस लिए और इसमें से सी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करके आंसर आया। अब ये मास ऑफ न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस यूरेनियम का, न्यूक्लियस थोरियम का, न्यूक्लियस हीलियम का, हमें क्या गिवन है वैल्यूज, क्या हमें गिवन है, नहीं, हमें पूरे एटम एटॉमिक मास, हमें एटम का मास गिवन है, न्यूक्लियस का मास नहीं गिवन, तो इसके अंदर मुझे क्या करना पड़ा, न्यूक्लियस के अंदर होता क्या है, ये जो न्यूक्लियस है, नहीं इसमें ना लेना चाहिए था, चलो ठीक है ऐसे कर लो एक ही बात है, तो ये इसने क्या किया, न्यूक्लियस यूरेनियम को देखो उसने कैसे लिखा, इसके अंदर 92 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 92 इलेक्ट्रॉन्स को इसने क्या किया, ऐड कर दिया, कोई बताएगा यार ये ऐड क्यों कर दिया, ये ऐड क्यों किया, एक्चुअल में प्रॉब्लम ये है, हमें जो डेटा गिवन है ना, वो डेटा में ये न्यूक्लियस का मास नहीं गिवन, ये एटम का मास गिवन है, न्यूक्लियस का मास नहीं है, एटम का मास है, तो मेरे ख्याल से ये जो इक्वेशन है ना, इसने गलत सिंबल यूज किया, एक्चुअल में ये जो इक्वेशन है ये एटम के लिए यूज है, एटम, ये एटम, ये एटम और ये एटम, ये एटम के लिए यूज है, पर हमें जो क्वेश्चंस नॉर्मली बाइंडिंग एनर्जी के गिवन होते हैं ना, वो न्यूक्लियस के मासेस गिवन होते हैं, हमें गिवन न्यूक्लियस के मासेस गिवन होते हैं, लेकिन उसने ये एटम के साथ काम किया, तो एटम के अंदर वो कहता है कि ये न्यूक्लियस है, यूरेनियम का न्यूक्लियस है, इसमें से क्या ऐड किया 92
इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। अब ये एटम बन गया, ऐसे ही थोरियम का न्यूक्लियस है और 90 इलेक्ट्रॉन्स है, हीलियम का न्यूक्लियस है और 2 इलेक्ट्रॉन्स है। यहाँ तक क्लियर है? अब आपको इस क्वेश्चन में ये वैल्यू क्या गिवन है, यूरेनियम का देखना जरा क्या गिवन है, मास 238.050, 238.05079। तो यहाँ पर क्या लिखा, 238.05079। और यहाँ पे ये वैल्यू क्या गिवन है, ये और ये वैल्यूज क्या गिवन है, 234.04, और ये वैल्यू क्या गिवन है, 4.00260। अब आप कहोगे कि इलेक्ट्रॉन्स के मासेस कहाँ गए? देखो इलेक्ट्रॉन के मासेस 92, 90 और 92 आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के मासेस तो एडजस्ट वैसे ही हो जाएंगे एटॉमिक नंबर की वजह से। तो ये एक अननेसेसरी स्टेप है जो इसने किया। आपकी बहुत सारी बुक्स ऐसे करती हैं, वो पहले एटम लेती हैं, एटम में न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन अलग से लेती हैं, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल करती हैं। आप कुछ ना करें, आप यहीं से यहां लिखें, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का मास लेना ना लेना फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि अल्टीमेटली कैलकुलेशन में वो क्या हो रहा है, कैंसिल। आप सीधा यहां पर न्यूक्लियस का ही मास पुट कर दें, न्यूक्लियस का ही मास पुट करें, न्यूक्लियस का ही पुट करें और 931 से मल्टीप्लाई करें। आपको सी स्क्वायर से भी नहीं करने की जरूरत, मैंने शॉर्टकट सिखाया था आपको, सब कुछ एएमयू में गिवन है। आप इन मासेस को एएमयू में लें, 931 से मल्टीप्लाई करें, सीधा ही आंसर निकालें, कुछ करने की जरूरत है ही नहीं आपको, आंसर बात खत्म। अननेसेसरी स्टेप है, बताया इसलिए आप उलझ सकते हो पेपर में कि ये पता नहीं क्या सोल्यूशन में कर रहा है, पर अल्टीमेटली फायदा नहीं होगा, अल्टीमेटली ऐसे करके फायदा है। स्कूल में आएगा आप सीधा सीधा, कोई चक्कर नहीं, पेपर में इतना मुश्किल आता ही नहीं, वो तो प्लस माइनस पे एक 931 मल्टीप्लाई करो आंसर। ठीक, अब सबसे इंपॉर्टेंट पता है क्या, ये बी पार्ट है, बी पार्ट काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड अल्फा पार्टिकल क्या होगा। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या होगा, ये क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन मेंस के अंदर भी आया हुआ क्वेश्चन है, नीट के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आप भव्य उस दिन पूछ भी रहे थे, ये वही क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से डाल रखा था आपका मेंस का क्वेश्चन। कैसे, ये देखो इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं, है ना, ये क्वेश्चन चलो इतना वो नहीं है, कॉन्सेप्ट ये डिस्कस करते हैं कि आपने एनर्जी रिलीज ए पार्ट में निकाल ली, वो मासेस को माइनस करके 931 से मल्टीप्लाई करके मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे एनर्जी आ गई, बात खत्म हो गई। तो इतनी एनर्जी रिलीज हुई, वो एनर्जी अल्फा पार्टिकल ले सकता है या कोई भी न्यूक्लियस ले सकता है जो डॉटर न्यूक्लियस है, और जिससे वो काइनेटिक एनर्जी एक्वायर कर सकता है। तो इमेजिन करो आपके पास कोई भी एक न्यूक्लियस है जिसका एटॉमिक मास नंबर ए है, तो मान लो ये भी कोई और मान लो न्यूक्लियॉन का मास एम है, तो टोटल मास क्या हो जाएगा, ए इंटू एम हो जाएगा, राइट, सही है, एम न्यूक्लियॉन का मास है, ए न्यूक्लियॉन्स हैं, टोटल मास एम इंटू ए। ये टूट गया और इसमें से हीलियम यानी कि अल्फा पार्टिकल निकल गया। अल्फा पार्टिकल क्या होता है, हीलियम 4-2 होता है, जो अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल है वो क्या होता है, हीलियम 4-2 होता है। हीलियम 4-2 का मतलब इसके अंदर एक न्यूक्लियॉन का मास m है, तो टोटल मास कितना है इसका, 4m है, और इसका मास क्या आएगा, a माइनस 4m है, क्योंकि 4 तो निकल गया, तो a में से 4 गया, तो क्या बचा, a माइनस 4, तो इसका एटॉमिक मास नंबर a माइनस 4 है और एक न्यूक्लियॉन का मास m है, तो ये मास आ गया इसका। क्लियर है यहां तक? जब एक बॉम्ब फटता है और दो टुकड़े निकलते हैं, तो एक टुकड़ा आगे एक टुकड़ा पीछे, M1 V1 M2 V2 कंजर्वेशन मोमेंटम, जब न्यूक्लियस टूटता है और दो टुकड़े निकलते हैं, न्यूक्लियस टूटा दो टुकड़े निकले, तो एक टुकड़ा आगे तो एक टुकड़ा पीछे होगा, तो इसमें भी क्या लगेगा, मोमेंटम कंजर्वेशन। तो पहली इक्वेशन क्या बनेगी, a माइनस 4 इंटू एम इंटू वी वन इज इक्वल टू 4m इंटू वी टू, तो m से m क्या हो गया, कैंसिल, यहां से V2 और V1 की रेशियो आपके पास आ गई a माइनस 4 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है, वेलोसिटी की रेशियो आ गई। अब आपसे ये पूछा जाएगा कि अल्फा पार्टिकल की जो एनर्जी है, अल्फा पार्टिकल की एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी, और जो ये फर्स्ट पार्टिकल है इसकी काइनेटिक एनर्जी की रेशियो क्या होगी। तो इस केस में हम क्या करेंगे, अल्फा पार्टिकल की एनर्जी क्या होगी, हाफ इंटू अल्फा पार्टिकल का मास इंटू वी टू स्क्वायर, और फर्स्ट पार्टिकल की हाफ इंटू ए माइनस 4 इंटू एम इंटू वी वन का स्क्वायर, तो एनर्जी का रेशियो आ गई।
एम से एम क्या हो गया, कैंसल, एम से एम कैंसल, हाफ से हाफ कैंसल, तो क्या बच गया, 4 इंटू वी टू बाई वी वन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए माइनस फोर। अब आपको रेशियो पता है किसकी, वी टू और वी वन की रेशियो पता है कितनी, ए माइनस फोर बाई फोर का होल स्क्वायर। तो आंसर क्या आएगा, ए माइनस फोर डिवाइडेड बाई कितना, तो ये रेशियो आ जाएगी किसकी, काइनेटिक एनर्जी और फर्स्ट पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी की रेशियो आ गई। ये है, ऐसी था, ऐसे क्वेश्चन आया हुआ है। इवन मैंने ये क्वेश्चन भी देखा है, ये तो रेस्ट पे पड़ा हुआ न्यूक्लियस टूटा है ना, तो बड़ी बात नहीं है, कई बार तो मूविंग न्यूक्लियस देगा, इसकी वेलोसिटी देगा, फिर वो तोड़ेगा, इसको तोड़ेगा, तो एम वी इज एम वी वन माइनस एम वी टू, प्रॉपर मोमेंटम कंजर्वेशन है, फिर एनर्जी भी कंजर्व करनी पड़ेगी, वहां से आंसर आएंगे, देखेंगे जब मेंस का पेपर करेंगे, बट यहां तक क्लियर है। तो अगर टोटल एनर्जी फर्स्ट पार्ट में क्यू रिलीज हो रही थी, क्यू, तो अल्फा पार्टिकल के हिस्से की क्या एनर्जी आएगी, रेशियो तो आई, रेशियो तो हमने निकाली ली है, तो ये जो रेशियो आएगी वो आएगी ए माइनस फोर बाई ए इंटू क्यू। एनर्जी तो निकाली ली थी ना, क्योंकि ये एज्यूम और ये अप्रोक्सीमेट क्यों लिख रहे हैं कोई बताएगा, क्योंकि जब यूरेनियम टूटेगा थोरियम निकलेगा और अल्फा निकलेगा, अल्फा पार्टिकल थोरियम के मुकाबले बहुत छोटा है, तो सारी काइनेटिक कौन ले जाएगा, अल्फा, थोरियम मूव भी नहीं करेगा, तो इसलिए ऑलमोस्ट सारी एनर्जी किसको दे दी इसने, अल्फा को, तो क्यों एनर्जी अल्फा की ही है, तो ये इस रेशियो में चली जाएगी। तो ऐसा कुछ अगर पेपर में आए तो मोमेंटम कंजर्वेशन से स्टार्ट करके आपका आंसर आएगा।